हेलो, आई एम जय राम। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय कोचिंग प्लस। इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल प्रैक्टिस सम डेली यूज सेंटेंसेस यूजिंग इम्परेटिव सेंटेंसेस। द लिंक ऑफ अदर वीडियोज रिलेटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश ग्रामर आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। You can watch. Let us start. इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हुए इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी को आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है या आदेश दिया जाता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके बनाने के रूल्स हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे घर जाओ तो गो टू होम, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुरू में आ गई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। यदि इसका नेगेटिव हो तो नेगेटिव सेंटेंस को इसके बनाने के लिए डू नॉट शुरू में आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, घर मत जाओ, और मत जाओ यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो डू नॉट शुरू में आ जाएगा, डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, फिर ऑब्जेक्ट हो गया होम, तो डू नॉट गो टू होम। अब यदि ऐसे वाक्यों में कृपया आ जाए, यानी प्लीज लगाना पड़े, तब उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले प्लीज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए एग्जाम्पल, कृपया घर जाओ, तो प्लीज शुरू में आ गया, वर्ब जाना की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, होम ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्लीज गो टू होम। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। लेट अस प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड दिस। इससे संबंधित कुछ और उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखें। वहां जाओ सिंपल हो गया, गो देयर जाना की हो गई गो देयर, वहां जाओ। अब अगर कहा जाए कि वहां मत जाओ तो हो जाएगा डू नॉट गो देयर, डू नॉट लग गया शुरू में, और कहा जाए कृपया वहां जाओ तो प्लीज गो देयर। नेक्स्ट देखें, सुबह जल्दी उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी मत उठो तो हो जाएगा डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कृपया सुबह जल्दी उठो, प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यह दरवाजा खोलो, ओपन दिस डोर, ओपन दिस डोर, और इसी का यदि हम मना करेंगे तो हो जाएगा डू नॉट ओपन दिस डोर, डू नॉट ओपन दिस डोर, ये दरवाजा मत खोलो, कृपया ये दरवाजा खोलो तो हो जाएगा प्लीज ओपन दिस डोर, प्लीज ओपन दिस डोर। नौकर को बुलाओ, कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट, नौकर को मत बुलाओ, डू नॉट कॉल द सर्वेंट, डू नॉट कॉल द सर्वेंट, कृपया नौकर को बुलाओ, प्लीज कॉल द सर्वेंट, प्लीज कॉल द सर्वेंट, मेरी सहायता करो, हेल्प मी, हेल्प मी, मेरी सहायता मत करो, डू नॉट हेल्प मी, डू नॉट हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात मत सुनो तो हो जाएगा डू नॉट लिसन टू मी। यानी सिंपल में केवल डू नॉट शुरू में लगाना होता है, बाकी सिंपल आगे पूरे का पूरा आ जाएगा। डू नॉट लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। झूठ मत बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो के लिए हो गया टेल ए लाई, झूठ मत बोलो तो डू नॉट टेल ए लाई, कृपया झूठ बोलो तो नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, कृपया झूठ बोलो तो प्लीज टेल ए लाई कहेंगे उसके लिए। नेक्स्ट देखें, एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, अब एक पत्र मत लिखो तो डू नॉट लग जाएगा, इससे पहले हो जाएगा डू नॉट राइट ए लेटर, डू नॉट राइट ए लेटर। अब यदि कहा जाए कृपया एक पत्र लिखो तो प्लीज राइट ए लेटर,
प्लीज राइट ए लेटर, मुझे माफ करो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ मत करो, तो हो जाएगा डू नॉट एक्सक्यूज मी, डू नॉट एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ करो, तो प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी। वीडियो को लगातार एक से अधिक बार देख लें, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंसेस डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूजफुल है, बहुत इनका यूज होता है। लड़के को पीटो, बीट द बॉय, बीट द बॉय, लड़के को मत पीटो, डू नॉट बीट द बॉय, डू नॉट बीट द बॉय, कृपया लड़के को पीटो, प्लीज बीट द बॉय, प्लीज बीट द बॉय। एक गाना गाओ, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, एक गाना मत गाओ, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, कृपया एक गाना गाओ, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, प्लीज सिंग ए सॉन्ग। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम, टेल योर नेम, अपना नाम मत बताओ, डू नॉट टेल योर नेम, डू नॉट टेल योर नेम, कृपया अपना नाम बताइए, प्लीज टेल योर नेम, प्लीज टेल योर नेम। अंदर आओ, कम इन, कम इन, अंदर मत आओ, डू नॉट कम इन, डू नॉट कम इन, कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। बाजार जाओ, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, बाजार मत जाओ, डू नॉट गो टू मार्केट, डू नॉट गो टू मार्केट, कृपया बाजार जाओ, प्लीज गो टू मार्केट, प्लीज गो टू मार्केट। यदि एक साथ दो इंपरेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो वहां पे एंड लगा दिया जाता है, जैसे कहा जाए बाजार जाओ और सब्जी खरीदो, तो हो जाएगा गो टू मार्केट एंड बाय वेजिटेबल्स, गो टू मार्केट एंड बाय वेजिटेबल्स। खाना खाओ, टेक द फूड, टेक द फूड, खाना मत खाओ, डू नॉट टेक द फूड, डू नॉट टेक द फूड, कृपया खाना खाओ, प्लीज टेक द फूड, प्लीज टेक द फूड। अपने हाथ धो, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ मत धो, डू नॉट वॉश योर हैंड्स, डू नॉट वॉश योर हैंड्स, कृपया अपने हाथ धो लीजिए, प्लीज वॉश योर हैंड्स, प्लीज वॉश योर हैंड्स। ढक्कन खोलो, ओपन द लिड, ओपन द लिड, ढक्कन मत खोलो, डू नॉट ओपन द लिड, Do not open the lid. Please ढक्कन खोलो. Please open the lid. मेरे साथ आओ. Come with me. मेरे साथ आओ. Come with me. मेरे साथ मत आओ. Do not come with me. Do not come with me. कृपया मेरे साथ आओ. Please come with me. Please come with me. इसे follow me भी कर सकते हैं. Next देखें. School जाओ. Go to school. Go to school, school मत जाओ, do not go to school, do not go to school, कृपया school जाओ, please go to school। चिड़िया को मत मारो, do not kill the bird, do not kill the bird, लड़को बैठ जाओ, why sit down, why sit down, लड़को खड़े हो जाओ, why stand up, why stand up, शोर मत करो, डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस, कक्षा में शोर मत करो, डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास, डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। लर्न दीज सेंटेंसेस, थैंक यू वेरी मच।